इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के असंत के ओम हॉस्पिटल से, जहां पर अभी अभी जो है एक पॉइजन का मामला सामने आया है। किस तरीके से एक पीटीएम चल रही थी फफड़ाना के एक स्कूल में, जी हाँ फफड़ाना के एक स्कूल में जो है पीटीएम के लिए पेरेंट्स गए हुए थे, वहीं पर एक बच्चे के पेरेंट्स को शीट उठाने को लेकर जो है कोई अध्यापक जो है थप्पड़ जड़ देता है, इस तरीके का मामला सामने आता है, जिसके बाद जो है कुछ कहासुनी हो जाती है और उसके बाद जो बच्चे के पेरेंट हैं, जो पिता हैं, उन्होंने जो है पॉइजन खा लिया, जिसके बाद फिलहाल उन्हें ओम हॉस्पिटल जो है असंध के लेकर आया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, उनकी जो माँ है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, बच्चे की जो दादी है वो है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ था मैम? ये मीटिंग के लिए गया था जी, बच्चा के पीटीएम के लिए जी। कौन से स्कूल में गए थे? यूनिक पब्लिक स्कूल फफड़ाना जी। अच्छा, हाँ जी। क्या हुआ फिर? ये जैसे पहले अपने बच्चे की क्लास में गया तो इसके एक भतीजा भतीजी भी पढ़ते थे उसमें, उनके टेस्ट हुए होंगे, इसने वो टेस्ट उठा के देखना शुरू किया ना, तो सर ने दूसरे ने इसको गला पकड़या, वो क्या कर रहा, ये बोले यार मैं तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, अब ऐसे कैसे छोड़ दे, तेरे को बार मारने, तो गला पकड़ के लेके आ रहा था उसको नीचे, ना कहा भाई मेरे को छोड़ दे मैं अपने आप चला जाऊंगा नीचे। तो जिसे नीचे आ रहे थे तो प्रिंसिपल मैडम ने ना तो सचिन से कुछ पूछा और न जो था रोशन लाल सर था उससे भी नहीं पूछा, तो आते ही उसको एक थप्पड़ मारा। इसी वजह से, मतलब थप्पड़ मारने की वजह से आपके बेटे ने जहर खा लिया? लेडीज ने थप्पड़ मारा, कहा मम्मी इसलिए बेइज्जती होगी? बेइज्जती होगी, मैं महसूस नहीं कर सका। तो वो लेडीज क्या आपके पोते की टीचर है? प्रिंसिपल है जी स्कूल की। हाँ जी। क्या नाम है प्रिंसिपल का? राजेंद्र सर है जी, वो तो ये गैर सरकारी नौकरी करते हैं तो उसकी जगह बैठती है वो गरवाली। अच्छा। हाँ तो क्या नाम क्या है प्रिंसिपल मैडम का? मैडम का तो जानती नहीं, स्कूल का नाम राजेंद्र सर है, जिनकी वाइफ है वो। हाँ। उनके मैडम के हस्बैंड का नाम है राजेंद्र। राजेंद्र कौन सा स्कूल है? यूनिक पब्लिक स्कूल। यूनिक पब्लिक स्कूल कहाँ पड़ता है? ये गांव फफड़ाना में संत के। तो चाहते हो इस पे कार्रवाई हो? हाँ जी, हम तो एक बजे के फिर कार्रवाई नहीं कोई कर रहा हमारी, तो इसलिए कंप्लेंट देने गए थे। गए थे सालून में भी दी है। क्या कह रहे हैं? कोई आई नहीं रहा, कहते हैं ही आ रहे हैं 15 मिनट में, ही आ रहे हैं 10 मिनट में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दोपहर से जो है चक्कर पर चक्कर काटे जा रहे हैं। सालवन भी जो है ये लोग कंप्लेंट देने के लिए गए थे, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है इनकी कंप्लेंट तक नहीं दर्ज की गई है। यही कहा जा रहा है कि टीचर द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा जो है, स्कूल की यूनिक पब्लिक स्कूल है फफड़ाना में असंत के पास पड़ता है, वहां की प्रिंसिपल द्वारा जो है बच्चे के पेरेंट के साथ बदतमीजी की जाती है, उन्हें थप्पड़ जड़ दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि भाई महिला ने मेरे को सबके सामने थप्पड़ मार दिया और इसी बेइज्जती को वो सहन नहीं कर पाए, उसके द्वारा जो है पॉइजन खा लिया जाता है। एक बार डॉक्टर से भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मैटर है। सर एक बार अंदर आ जाऊं मैं कमें सर, एक ये क्या मैटर आया है पॉइजन वाला, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी और अभी क्या कंडीशन है पेशेंट की? वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जो मैटर है वो पुलिस का है, हमारा काम था पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, तो आगे पुलिस दे सकती है। पेशेंट की कंडीशन के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो। पेशेंट केम अराउंड 4 PM और वो जो है एक कीटनाशक जो दवाई होती है इंसेक्टिसाइड, वो खा के हमारे पास पहुंचा था। जो दवाई पी थी उसके लक्षण भी उनको आए हुए थे, तो हमने उस दवाई को लिवाज किया और उसके साथ तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। कितनी देर होगी आप? अनफिट है टू गिव एनी स्टेटमेंट, तो पुलिस जो है अभी उनके घर वालों से ही बात कर रही है और उसके बिना पे जो उन्होंने कार्रवाई करनी है दे विल डू। तो आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस जो है वो भी हॉस्पिटल में, स्कूल में एक पेरेंट पे जो है टीचर द्वारा हाथ उठाया जाता है, एक पेरेंट पे जो है टीचर द्वारा, स्कूल प्रिंसिपल द्वारा जो है हाथ उठाया जाता है, जिसके बाद पेरेंट जो है काफी ज्यादा इंसल्टेड महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, पॉइजन खा लेते हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस जो है वो भी अब जाकर के मौके पर पहुंची है। दोपहर से आप लोग बुला रहे थे, कोई नहीं आया था? नहीं, 1:30 बजे हम चौकी में गए थे जी, उसके बाद मैंने 2 फोन तो करे होंगे, तो फिर संध भी इन्होंने भी कराया है जी, अब तक ये चौकी वाले ही आए हैं जी। ये कौन सी चौकी से आए? सालवन चौकी। सालवन चौकी से आए? हाँ जी। तो काफी लेट आए आपके बताने के? हाँ, 1:30 बजे की वो करी हुई थी, उसके बाद में फिर ये कह रहे भाई हमारी कोई सुनाई नहीं है। मम्मी क्या फायदा? 1:30 बजे जो है पुलिस स्टेशन में कॉल की गई थी और शाम के 7 बज चुके हैं और अभी फिलहाल पुलिस जो है अब जाकर मौके पर पहुंची है। 1:30 बजे इनके द्वारा बता दिया गया था, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन 7 बजे बताया जा रहा है, 7 बजे जाकर जो है अब सालवन चौकी से पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल मैम है उनके जो हस्बैंड है वो भी गवर्नमेंट जॉब पर है। हाँ, जो सेक्रेटरी है जी। अच्छा, कहाँ पे है सेक्रेटरी? ये तो देखो मेरे को पता नहीं जी, मैं कहाँ पे होगा, फिर सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट जॉब करता है जी।
तो क्या क्या अब अपील करना चाहोगे प्रशासन से, क्या कार्रवाई चाहते हो? हमारी कार्रवाई करी जाए जी, हमको कोई न्याय मिले, ऐसे थप्पड़ कैसे खाएंगे। डॉक्टर तो कह रहा है अनफिट है पेशेंट, उसके तो बयान भी नहीं लिए जा सकते अभी। आप देखो अभी कोई कार्रवाई करवाओ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है जी। घर में और कौन कौन आंटी? अकेला है, लड़का बहू है, उसकी दो बेटियां हैं, एक 3 साल की गुड़िया, एक 2 साल की, और मैं माँ हूँ। हाँ मैं माँ हूँ, पापा नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई नहीं है दूसरा, अकेला है। अच्छा फादर नहीं? नहीं है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल माँ अकेली इस समय अस्पताल के बाहर खड़ी हुई है। इनका यही कहना है कि उस लड़के के जो है पिता भी नहीं है, घर में अकेला है। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें, ताकि जल्द से जल्द इसे इंसाफ जरूर दिलवाया जा सके। क्या नाम है लड़के का आपकी? सचिन जी। सचिन है, उम्र क्या है? उसकी उम्र 32 साल है जी। 32 साल एज है, सचिन नाम है। जल्द से जल्द जो है इस पे कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पुलिस का भी वर्जन जो है वो लेने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल पुलिस जो है वो डॉक्टर से अंदर बातचीत करते हुए और सारी इंक्वायरी करते हुए जो है नजर आ रही है। अगर पुलिस वाले बाहर आते उनसे भी जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के असंध से, ओम हॉस्पिटल से, और पुलिस भी जो है अभी जांच में जुटी हुई है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि जो पेशेंट है वो अभी अनफिट है, वो अभी कोई भी बयान जो है वो नहीं दे सकता है। पेशेंट जो है वो अनफिट है, कोई भी बयान नहीं दे सकता है। एक बार देख लेते हैं अंदर, कहाँ गए वो पुलिस वाले? उधर ही गए हैं। अभी फिलहाल पेशेंट से मिलने की शायद परमिशन दे दी गई थी, और पुलिस वाले जो है वो भी फिलहाल बयान लेने के लिए पेशेंट के गए हैं, और फिलहाल बयान जो है पेशेंट के वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उसके बाद ही जो है कोई कार्रवाई की जाएगी। 1:30 बजे से लगातार जो है वो फैमिली द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन पुलिस जो है 7:00 बजे जाकर अब जाकर जो है अस्पताल में पहुंची है। आप देख लीजिए अब जाकर अस्पताल में पहुंची है, क्या किसी का दबाव था या कुछ और मैटर था? इन्वेस्टिगेशन इस चीज की जरूर से जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार पुलिस की कार्रवाई में इतनी देरी क्यों। अभी पुलिस वाले अगर बाहर आ जाते हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों से अपील रहेगी सचिन को, सचिन के साथ जो भी हुआ, जैसे भी उसने पॉइजन खाया, किस कारण से खाया, सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इस पर जो है सही तरीके से जांच हो, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यहाँ नीरा माटा के साथ, टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।